क्लास 5 चैप्टर नंबर 1 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की जनरेशंस की बात करेंगे। अलग अलग जनरेशन में अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स हुए हैं। कंप्यूटर्स ऑल्सो हैव डिफरेंट जनरेशंस। कंप्यूटर्स की भी अलग अलग जनरेशंस हैं, जैसे कि ह्यूमंस की होती हैं। सिंस 1940s एडवांसमेंट इन कंप्यूटर्स हैड कम रैपिडली एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड अ फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर। 1914 से एडवांसमेंट होने शुरू हो गए थे कंप्यूटर में, और बहुत तेज़ी के साथ, लेकिन फिर भी बहुत काफ़ी टाइम लग गया फुल फ्लैश्ड एक कंप्यूटर बनाने में, काफ़ी समय लग गया। जनरेशन्स देखिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, पांच जनरेशन हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का फोटो भी दिया है, देखो कैसे होता था। एनीएक का फोटो दिया हुआ है यहाँ पे, और वैक्यूम ट्यूब्स दिए हुए हैं कि किस तरह से लगे होते थे। द बेसिस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो पहले जनरेशन के थे 1942 से 1955 तक, उनका बेसिक्स क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी उसमें। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे? वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करते थे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरह। बहुत बड़े साइज के कंप्यूटर्स होते थे। दीज कंप्यूटर वर एज बिग एज अ रूम, जैसे जितना बड़ा कमरा होता है उतने बड़े कंप्यूटर्स होते थे। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे थे। दे वर स्लो इन स्पीड, उनका काम करने का स्पीड बहुत कम था। दे हैड स्मॉल मेमोरी, मेमोरी बहुत कम थी। यूज मशीन लैंग्वेज, इनमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। द फॉलोइंग आर द डीमेरिट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या क्या कमियाँ थी? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वॉज जनरेटेड, जब चलते थे तो बहुत तेज हीट निकलती थी, गर्म हो जाते थे। हाई मेंटेनेंस, उनको मेंटेन करने में पैसा खर्च होता था ज़्यादा। और नॉट रिलायबल, भरोसेमंद नहीं थे, गड़बड़ भी कर देते थे। सम ऑफ द मॉडल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर एडवेक, एनीएक एंड यूनीमेक। फर्स्ट जो मॉडल्स के नाम है जो फर्स्ट जनरेशन के थे, वो एडवेक है, एनीएक है और यूनीमेक फर्स्ट। ये फोटो दिया हुआ है एडवेक कंप्यूटर का, कितने बड़े साइज का है। इसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, जिसमें ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। 1956 से 1964 तक था ये। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड। ट्रांजिस्टर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में जो भी प्रॉब्लम थी उनको खत्म करने के लिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स को लाया गया, उनको डेवलप किया गया, और इसमें मेन रूप से इस्तेमाल होता था ट्रांजिस्टर। इसकी क्या क्या खासियत थी? ट्रांजिस्टर वर यूज एज इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट के रूप में ट्रांजिस्टर को यूज करते थे। ट्रांजिस्टर का फोटो भी दिया है कि किस तरह के होते थे। इसके बाद फास्टर, बहुत तेज होते थे, काम तेजी से होता था। दे वर स्मॉलर इन साइज देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले साइज में छोटे थे। दे हैड इंक्रीज्ड मेमोरी देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, इनकी मेमोरी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स से ज़्यादा तेज थी। दे वर मोर रिलायबल, ज़्यादा भरोसेमंद थे। एयर कंडीशनिंग वॉज रिक्वायर्ड, इनके लिए एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती थी। इनमें क्या क्या कमियाँ थी? डीमेरिट क्या क्या था? मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी, और हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे, गर्म हो जाते थे। स्लो स्पीड, अभी भी बहुत स्लो थे, और लो लेस मेमोरी, अभी भी मेमोरी इनकी कम थी, यानी कि स्टोर नहीं कर पाते थे ज़्यादा डेटा। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास था IBM 7094, IBM सीरीज 1400, सीरीज NCR 304 एंड मार्क 4। ये नाम है उन कंप्यूटर्स के जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे। इसके बाद आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे। 1965 से 1971 तक ये चला। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इंप्रूवमेंट हुए मशीन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को और अच्छा बेहतर बनाया गया। दे वर डिजाइन टू मेक मशीन वर्क एंड टू मेक कंप्यूटर्स प्रोग्राम, इस तरह से डिजाइन किया गया था जिससे मशीन अच्छे से काम करे, ठीक है, और कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है बढ़िया से काम करें। फॉलोइंग आर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, क्या क्या खासियत थी इसमें? इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज एज इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज किया गया था। कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर डेटा इनपुट एंड आउटपुट, डेटा को लेने और इनपुट करने के लिए और आउटपुट करने के लिए, मतलब डेटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए और वापस बाहर निकालने के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर्स का इस्तेमाल होता था। स्मॉलर साइज, छोटे साइज के थे। हाई स्पीड, स्पीड तेज थी, काम जल्दी हो जाता था। लो हीट जनरेशन, बहुत कम गर्म होते थे, कम हीट पैदा होती थी। मोर रिलायबल, ज़्यादा भरोसेमंद थे। लेस पावर रिक्वायर्ड, बिजली की खपत कम होती थी।
हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबोल या फोर्ट्रान है वो यूज़ करते थे, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेजेस से हटके अब हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होने लगी थी जैसे कोबोल और फोर्ट्रान, ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। इनके मॉडल्स कौन से हैं? IBM 370 और NAV 7500, ये वो कंप्यूटर्स हैं जो थर्ड जनरेशन के थे। फोटो दिया गया IBM 370 का और इंटीग्रेटेड सर्किट कैसा होता है उसका फोटो दिया है। इसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आ गए जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते थे। 1972 से 1980 तक ही चला। माइक्रो प्रोसेसर वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टाइम, इट ब्रॉट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर बिल्ट इनटू सिंगल सिलिकॉन चिप। तो माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज किया जाता था इस दौरान फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में, जब उनका विकास हुआ तो हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट्स को केवल एक ही चिप पर, एक ही सिलिकॉन की चिप पर लगा दिया जाता था, इसलिए इनका साइज छोटा हो जाता था। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें क्या क्या खासियत थी? माइक्रो प्रोसेसर्स हैविंग LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज एज इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में हमने क्या इस्तेमाल किया? माइक्रो प्रोसेसर्स, जैसे कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी फास्ट स्पीड, स्पीड बहुत तेज होती थी। हाई मेमोरी, स्टोर करने की मेमोरी बहुत ज़्यादा थी। रिलायबल और एक्यूरेट थे, भरोसेमंद ज़्यादा थे, बहुत सही जानकारी देते थे। मिनिमम मेंटेनेंस, इनको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट बहुत कम लगती थी। चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल, बहुत सस्ते थे और इजीली खरीदे जा सकते थे। स्मॉल साइज, छोटे थे। नो एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड, इनको रखने के लिए एसी की जरूरत नहीं थी। लैंग्वेजेस यूज्ड आर यूजर फ्रेंडली, जो भी इसमें लैंग्वेज यूज होती थी वो यूजर फ्रेंडली होती थी, यानी कि कोई भी थोड़ा बहुत सीख के इन लैंग्वेजेस को यूज कर सकता था। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, और इससे हमने आगे जाके पर्सनल कंप्यूटर्स को डेवलप किया। ये पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर का फोटो दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अभी यूज हो रहा है और आगे चलता रहेगा। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में VLSI टेक्नोलॉजी बन गई, ULST अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बन गया, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। इसके लिए आगे इसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर चिप बनी, Having 10 million इलेक्ट्रॉनिक components, इस तरह की चिप बनाई गई जिसमें 10 million भी इलेक्ट्रॉनिक component एक ही जगह लगा दिए जाते थे। This generation is based on parallel processing hardware and artificial intelligence. ये generation इस बात पे based थी, parallel processing पे, hardware पे की, और artificial intelligence इसके अंदर होती थी। इसके characteristics, खासियत इसकी क्या क्या होती थी? Microprocessor chip is used as electronic component. इसमें microprocessor chip को use किया जाता था। High speed, बहुत तेजी से काम करते थे। वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इनकी स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा थी, ज़्यादा डेटा आ जाता था। वेरी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, आसानी से समझ में नहीं आते थे। हाईली रिलायबल एंड इंटेलिजेंट, इनमें बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते थे, बहुत इंटेलिजेंट कंप्यूटर थे। वेरी स्मॉल इन साइज, दूसरे कंप्यूटर के मुकाबले बहुत छोटे होते थे। दे विल बी यूज इन रोबोटिक्स और डिफेंस, रोबोटिक्स यानी कि रोबोट बनाने में, और डिफेंस में यानी कि सेना में इनको इस्तेमाल किया जाता है। सम मॉडल्स ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो कि डिजाइन किए गए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में, असीमो एक रोबोट है, असीमो एक रोबोट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यूज होता है, ठीक है। तो वो होंडा ने बनाया था, एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, होंडा कंपनी ने डिजाइन किया है। ये सबसे ज्यादा एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट है अभी तक का, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्लास फिनिश चैप्टर।